हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो पे। हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कल की 298 एडी मूवी की एडवांस बुकिंग के बारे में और ट्रेलर के बारे में जो अपडेट अभी हमें देखने को मिला है। ओके, तो एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू हो चुका है। किसी एक जगह की स्क्रीनशॉट हमारे पास पहुंचा है, आप देख सकते हो, और शुरू होते ही $5,000 से ज़्यादा इकट्ठा कर चुका है। ओके, मतलब हमारे इंडियन करेंसी में 4,15,000 से ज़्यादा होंगे। हम इसको बोनी हम कह सकते हैं, मतलब इतने से शुरू हुआ है, ये अपडेट हमारे पास आया है। ओके, अब ये देखना बाकी रहेगा कि ये 4,15,000 कहाँ तक जा कर के रुकता है और इसका फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। 4 लाख से शुरू हुआ है, क्या होगा 4,000 करोड़ होगा क्या? थोड़ा ज़्यादा बोल दिया क्या मैं? ओके, आप अपना प्रिडिक्शन बता सकते हो। तो गाइस, 4,15,000 हमारे इंडियन करेंसी में, ये अपडेट हमें देखने को मिल चुका है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि भाई एडवांस बुकिंग शुरू हो चुका है, मतलब सुनामी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और आज के डेट में हमें एडवांस बुकिंग शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। प्रथनगिरा सिनेमा की तरफ से अपडेट आ चुका है कि आज के डेट में हमें आईमैक्स थिएटर का लिस्ट देखने को मिलेगा, बाकी सारे थिएटर्स का भी, बाकी सारे स्क्रीन वगैरह का लिस्ट भी देखने को मिलेगा। उसका अपडेट भी कल के डेट में हमें रात को देखने को मिल चुका था, और वो कल की 298 एडी मूवी लिख करके वहां पे बहुत सारे फायर का भी मतलब इमोजी छोड़ा है। इसका मतलब ये है कि एडवांस बुकिंग आज से हर जगह पे अच्छी तरह से शुरू हो जाएगा और उसका ऑफिशियल अपडेट प्रथनगिरा सिनेमा की तरफ से भी देखने को मिल जाएगा, जो कि शुरू हो चुका है ऑलरेडी। जो कि ये $5,000 वाली जो मैंने बात करी, ये जो एडवांस बुकिंग का स्क्रीनशॉट वगैरह की जो बात करी, वो हो चुका है। लेकिन ऑफिशियल तरीके से जो हर जगह पे जो शुरू होता है ना, वो हमें देखने को मिलेगा। गाइस, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इस बार ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जो सुनामी देखने को मिलेगा, इस तरह की सुनामी इंडियन सिनेमा में आज से पहले देखने को नहीं मिला था। ओके, बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये कि भाई 6 महीना हो चुका है, 2024 शुरू हुआ, लेकिन एक बड़ी मूवी हमारे इंडस्ट्री में नहीं आया है, हमारे इंडियन सिनेमा में नहीं आया है, जो कि लोग भाई बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं कि भाई एक अच्छी फिल्म हमें देखना है। ओके, आप देख रहे हो ना, वो नया तमन्ना की फिल्म को किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, आप उससे एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि भाई क्या होगा अगर एक बड़ी मूवी अभी आती है तो। ओके, तो कल की 298 एडी मूवी जो कि इंडियन सिनेमा को बदलने की वादा कर रही है भाई, जिस तरह की फिल्म, जिस तरह की बोला वाला अभी हो रहा है, आप लोगों को पता है कि ये फिल्म क्या तबाही लाएगी, तो वैसा वाला फिल्म अगर ऐसे मौके पर आ जाती है, मतलब लोग भूखे प्यासे बैठे हैं और उनको बिरयानी मिल जाती है, तो क्या होगा? ओके, तो बिल्कुल वैसा वाला काम यहाँ पे होने वाली है। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा, ऊपर से फिल्म भी यूनिक है, फिल्म भी खतरनाक है, गजब है। मतलब ये फिल्म अगर बहुत सारी फिल्मों के बीच भी रिलीज होता तो कलेक्शन बहुत ज्यादा जबरदस्त करता, लेकिन ये तो खुला मैदान पे लोग भूखे प्यासे बैठे हैं और इस टाइम पे रिलीज हो रहा है, तो और कितना जबरदस्त कलेक्शन होगा जरा सोचो। ओके, तो बहुत ही खतरनाक नंबर हमें देखने को मिलेंगे और मेरे ख्याल से आज इवनिंग तक देखने को मिल जाएगा, और कल से जो हम वीडियो बनाएंगे भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर ही बनाएंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। प्रथनगिरा सिनेमा की जो पोस्ट वगैरह हुआ है उसे देख करके, और ये एडवांस बुकिंग जो कुछ कुछ जगह पे शुरू हुआ है, $5,000 का जो हमें अपडेट देखने को मिला है, इसको देख करके मैं बता सकता हूँ। तो गाइस, दिल थाम के रखिए, बॉक्स ऑफिस का तूफान शुरू हो चुका है। ओके, अभी हम बात करते हैं ये जो ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर को लेकर के अपडेट तो बहुत पहले से हमें ये आया है कि ये बहुत ही खतरनाक ट्रेलर होने वाली है। इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, मतलब सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा ट्रेलर आएगा। और डेफिनेटली यार देखो, फिल्म अगर इंडियन सिनेमा की सबसे खतरनाक फिल्म होने वाली है, एक यूनिक फिल्म होने वाली है, एक ऐसा फिल्म जो कि अभी तक हम नहीं देखे हैं, तो उसका ट्रेलर भी तो वैसा ही जाएगा ना, फिल्म जैसा ट्रेलर वैसा, समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब वही फिल्म से ही ट्रेलर आएगा। ओके, और जो इंसान एक एक पोस्टर में इतना सारा डिटेल्स दे रहा है, ये जो ऑलमोस्ट रियल लस्सी वाला जो है, ओके, ऐसा ऐसा डिटेल्स दे रहा है, वो ट्रेलर किस तरह का कट करेगा जरा सोचो भाई। नाग अश्विन तबाही है भाई साहब, तूफान है। ओके, तो ट्रेलर बहुत ज्यादा जबरदस्त रहेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे भाई लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई ट्रेलर में हमें कमल हसन सर को देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि उनका गेस्ट रोल है। हमें पता है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में किसी एक जगह पे उनको देखने को मिलेगा, चंद मिनट के लिए बोला जा रहा है कि 15-20 मिनट के लिए हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो उनकी लुक को ट्रेलर में रिवील करेंगे या फिर नहीं करेंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमल हसन सर को भी हमें ट्रेलर में देखने को मिलेगा, बट एक झलक देखने को मिलेगा, कोई डायलॉग्स के साथ और बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं, मतलब चाहे वो 5-10 सेकंड के लिए हो, एक लुक आ गया चला गया, बिल्कुल वैसा वाला हमें कमल हसन सर को देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को मिलेगा उनका लुक रिवील जरूर होने वाला है। ओके, जो कि ट्रेलर की वजन और भी ज्यादा खतरनाक कर देगा। मतलब ट्रेलर में हमें अमिताभ बच्चन सर को, प्रभास को, मतलब अश्वत्थामा और भैरवा और पद्मा
और वो दिशा पटानी की जो कैरेक्टर होने वाली है वो, मतलब इन लोगों को, बाकी सारे बहुत सारे स्टारकास्ट लोगों को, वो सारे लोगों को देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से क्लाइमेक्स में, ओके लास्ट में, आखिर में कली का प्रेजेंट होगा और ट्रेलर खत्म होगा। बोला जा रहा है कि बस एक झलक देखने को मिलेगा कमल हसन सर का, और इतना भी काफी रहेगा मेरे भाई, काफी रहेगा, क्योंकि उनका गेस्ट रोल है और वो एक एक ऐसा विलन है जो कि विलन तो वो खुद है लेकिन बहुत सारे लोगों को वो विलन बना सकते हैं। ओके उनका क्लोन, उनका साया, उनका पान आप कह सकते हो कि उनके ऊपर चढ़ जाएगा कली का, उनका जो जो सोच है ना उसके ऊपर चढ़ जाएगा और वो एकदम से खतरनाक बन जाएगा। ओके तो वैसा वाला विलन होने वाला है, तो उनका गेस्ट रोल होगा जो कि बाकी, मतलब कल्कि यूनिवर्स में उनका राज होने वाला है, उनका खात्मा अभी नहीं होगा। ओके तो ऐसा वाला कैरेक्टर है, गेस्ट रोल है, तो ट्रेलर में छोटा सा झलक हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग डर रहे थे कि देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखने को मिल रहा है। ओके और ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आप कितना एक्साइटेड हो भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का नंबर देखने के लिए, और 10 जून के लिए लिटरली ट्रेलर आ रही है।